जान पहचान करनी है तो अपना परिचय ले लीजिए, जान पहचान देनी है तो अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार व साधा शुभ अभिनंदन। नाम अनुपमा भटनागर, काम स्कूल में अध्यापिका का। शौक गाना बजाना, कहानियाँ सुनना व सुनाना। यूएई में पिछले 20 वर्ष से हूँ और लगता है कि इसने हमें इतना कुछ दिया है कि ये तो मेरा प्यारा अपना बन गया है। हमेशा से एक चाह रही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल सकूं, अपने मन की बात कह सकूं। और फ्राइडे फेबल ने ही हमें मौका दिया कि आज मैं आप सबके सामने हूँ। इसके द्वारा अपनी कहानियाँ सुनना सुनाना, अपने भावों अपने मन की बात को समझाना मुझे आसान हो गया है, क्योंकि अध्यापिका हूँ और आज उसी विषय पर एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी का भाव, कहानी का शीर्षक माँ इससे जुड़ा हुआ है। एक छोटे से शहर के प्राथमिक स्कूल में कक्षा 5 की शिक्षिका थी। उनकी आदत थी कि वह कक्षा शुरू करने से पहले हमेशा आई लव यू ऑल बोला करती थी, मगर वो जानती थी कि वो सच नहीं कह रही। कक्षा के सभी बच्चों से वह उतना प्यार नहीं करती थी। कक्षा में एक ऐसा बच्चा था जिनको एक आंख नहीं भाता, जिसका नाम था नीरज। नीरज मैली कुचैली स्थिति में स्कूल आया जाया करता। उसके बाल खराब होते, जूतों के बंद खुले होते, शर्ट के कॉलर पर ढेरों मैल के निशान। व्याख्यान के दौरान भी उसका ध्यान कहीं और ही होता। मिस के डांटने पर वह चौंक कर उन्हें देखा करता और उसकी खाली खाली निगाहों से उन्हें साफ पता लगता कि नीरज कुमार का शारीरिक रूप कक्षा में उपस्थित होने के बावजूद भी मानसिक रूप से गायब है। धीरे धीरे मिस को नीरज कुमार से नफरत सी होने लगी। क्लास में घुसते ही नीरज कुमार मिस की आलोचनाओं का शिकार बनने लगता। सब बुराई वाले उदाहरण नीरज कुमार के नाम पर ही किए जाते। बच्चे उस पे खिलखिलाकर हंसते और मिस उसको अपमानित करके संतोष प्राप्त करती। नीरज कुमार ने हालांकि कभी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मिस को वह एक बेजान पत्थर की तरह लगता, जिसके अंदर भावनाओं के खाली नजरों से देखा करता और फिर सिर झुका लेता। प्रत्येक डांट व्यंग और सजा के जवाब में वह किसी से कुछ ना कहता। मिस को अब उससे इससे गंभीर चिढ़ हो चुकी थी। पहला सेमेस्टर समाप्त हो गया, रिपोर्ट बनने का चरण आया। मिस ने नीरज कुमार की प्रगति की रिपोर्ट में वे सब बातें बुरी बातें लिखवाई जो कि उन्हें नहीं लिखनी चाहिए थी। धीरे धीरे करते करते वह रिपोर्ट प्रधानाचार्य जी के पास पहुंची और जब उन्होंने वह रिपोर्ट पढ़ी तो उन्होंने अध्यापिका जी से पूछा कि ये क्या कारण है कि इस बच्चे की रिपोर्ट ऐसी है, और इस बच्चे की रिपोर्ट यदि ऐसी है तो उसके माता पिता कितने नाराज हो जाएंगे, क्या आपने कभी सोचा है? अध्यापिका जी ने जवाब दिया, मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन नीरज कुमार एक बिल्कुल ही अशिष्ट निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि उसकी प्रकृति के बारे में कुछ लिख पाऊंगी। घृणित लहजे में वह बोलकर वहां से आ गई। प्रधानाचार्य जी ने अपने चपरासी को बुलाया और मिस की डेस्क पर नीरज कुमार के पिछले 2 सालों की प्रगति रिपोर्ट को भेजा। अगले दिन जब मिस कक्षा में आई और उन्होंने नीरज कुमार की रिपोर्ट देखी तो उन्होंने सोचा कि ये तो जैसे आज कर रहा है वैसे ही करता होगा। पिछली कक्षाओं में भी उसने निश्चय ही यही गुल खिलाए होंगे, ऐसा सोचकर उन्होंने कक्षा 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट की टिप्पणी पढ़कर ही वह आश्चर्यचकित रह गई। उनके आश्चर्य का कोई सीमा ही नहीं जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट में नीरज की तारीफों के पुल बंधे हुए हैं।
नीरज जैसा बुद्धिमान बच्चा उन्होंने आज तक नहीं देखा। वह बेहद संवेदनशील बच्चा है, अपने मित्रों और शिक्षक से सदैव बेहद लगाव रखता है। अंतिम सेमेस्टर में नीरज ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मिस इस परिणाम को पढ़कर बहुत आश्चर्यचकित रह गई। अब उन्होंने कक्षा चार की रिपोर्ट खोली और पढ़नी शुरू की। इसमें लिखा था, नीरज कुमार ने अपनी माँ की बीमारी का बेहद प्रभाव लिया, उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। नीरज कुमार की माँ को अंतिम चरण की में गंभीर बीमारी थी, घर का सारा ध्यान उसे ही रखना पड़ता था। ना तो उसे कोई प्यार करने वाला था, ना कोई स्नेह देने वाला, ना उसका ख्याल रखने वाला, ना उसे पुचकारने वाला, ना उसे कोई डांटने वाला। यह पढ़कर अध्यापिका की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उन्होंने खुद ही निश्चय किया, इसे बचाना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए इसे बचाना होगा। मिस के दिमाग में भयानक बोझ हावी हो गया। कांपते हाथों से उन्होंने प्रगति रिपोर्ट बंद करी और लगातार वह रोती रही। अगले दिन जब कक्षा में दोबारा वह पुनः आई और बोली कि आई लव यू ऑल, तब भी वे जानती थी कि आज भी वो झूठ ही बोल रही हैं, क्योंकि इस क्लास में बैठा हुआ एक उलझे बालों वाला बच्चा नीरज कुमार, उसके लिए उनका प्यार अलग है और बाकी कक्षा में दूसरे बच्चों के लिए उनका प्यार बिल्कुल अलग। व्याख्यान के दौरान उन्होंने नीरज को बुलाया और प्रश्न पूछा, परंतु उसने सिर झुका लिया। बार बार आग्रह करने पर भी उसने उनका कुछ जवाब नहीं दिया। तीन चार बार बाद नीरज ने जवाब देना शुरू कर दिया और कहा कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता। तो अध्यापिका ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे उत्तर को दोहराओ। ऐसा प्रतिदिन चलता रहा। धीरे धीरे तीन चार बार नीरज ने ऐसा ही कार्य किया। अध्यापिका जी अब उसकी तारीफ कर रही थी, तालियां बजवा रही थी। कक्षा में सभी लोग उससे उसकी सहायता के लिए तैयार थे, सभी उसको सराह रहे थे। प्रत्येक एक अच्छा उदाहरण नीरज कुमार के कारण ही दिया जाने लगा। धीरे धीरे पुराना नीरज कुमार सन्नाटे से किसकी कब्र को फाड़ कर बाहर आ गया था। जब मिस को सवाल के साथ जवाब देने की आवश्यकता नहीं, वह रोज बिना त्रुटि उत्तर देकर सभी को प्रभावित करता और नए सवाल पूछकर सबको हैरान भी कर देता। उसके बाल भी अब कुछ सुधरे हुए थे, कपड़े भी साफ थे, शायद वो अपना ख्याल स्वयं रख रहा था। देखते देखते साल समाप्त हो गया और नीरज कुमार ने दूसरी कक्षा में प्रवेश कर लिया और वो भी अच्छे अंकों के साथ। समय बीता गया, मिस रिटायर हो रही थी। सभी बच्चों ने उन्हें सुंदर उपहार दिए, पर मिस की टेबल पर उपहार का भंडार लग गया। उस उपहार के भंडार में एक पुराने अखबार में बंद सलीके से पैक हुआ एक सुंदर उपहार था, जिसे उसे देखकर सब लोग हंस रहे थे। किसी को जानने में देर न लगी कि यह जरूर नीरज कुमार ही लाया होगा। मिस ने उपहार के इस छोटे से पहाड़ में से उसको लपक कर उठाया और खोलकर देखने लगी। उसके अंदर महिलाओं की इत्र की आधी शीशी, इस्तेमाल की हुई शीशी और हाथ में पहनने वाला एक कड़ा था, जिसके ज्यादातर मोती झड़ चुके थे। मिस ने चुपचाप उस इत्र को अपने ऊपर छिड़का, हाथ में कंगन पहन लिया। बच्चे यह दृश्य देखकर हैरान रह गए। खुद नीरज कुमार भी, आखिर नीरज कुमार से रहा ना गया, मिस के साथ आकर उनके पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद से अटक अटक कर मिस को बताया कि आप आज मेरी माँ जैसी लग रही हैं, आप में मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। दिन सप्ताह सप्ताह महीने महीने साल में बदलते, भला कहाँ देर लगती है।
मगर हर साल के अंत में मिस को नीरज कुमार से एक पत्र नियमित रूप से प्राप्त होता, जिसमें लिखा होता कि इस साल कई नए टीचर मिले मगर आप जैसा कोई नहीं। फिर नीरज कुमार का स्कूल समाप्त हो गया और पत्रों का सिलसिला भी कई साल आगे गुजरने लगा। मिस रिटायर हो गई। एक दिन उन्हें अपनी मेल में नीरज कुमार का पत्र मिला। इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके बिना शादी की बात मैं सोच भी नहीं सकता। एक बात और, मैं जीवन में बहुत से लोगों से मिला हूँ पर आप जैसा कोई नहीं। साथ ही विमान से आने जाने का टिकट भी उस लिफाफे में मौजूद था। मिस खुद को हरगिज न रोक सकी। जब मैं शादी की जगह पहुंची तो थोड़ी देर हो चुकी थी। उन्हें लगा शायद समारोह समाप्त हो गया होगा, मगर यह देखकर उन्हें आश्चर्य की सीमा न रही कि शहर के बड़े बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन, यहाँ तक कि वहां पर शादी कराने वाला पंडित भी थक गया था कि आखिर कौन आने वाला है, कौन आना बाकी है। मगर नीरज कुमार समारोह में शादी के मंडप के बजाय गेट की तरफ टकटकी लगाए खड़ा था। बेचैन था उनके इंतजार में। फिर सबने देखा जैसे ही वे पुरानी शिक्षिका ने गेट से प्रवेश किया, नीरज कुमार भागता हुआ उनकी ओर गया और उनका हाथ पकड़कर अपने साथ ले आया। आज भी उनके हाथ में वो टूटा हुआ कंगन, जिसके मोती झड़ चुके थे, था। माइक हाथ में पकड़कर उसने कुछ यूं बोला, दोस्तों आप हमेशा मेरी माँ के बारे में जानना चाहते हैं, आप हमेशा मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे और मैं आपसे वादा किया करता था जल्द ही मैं आप सबको अपनी माँ से मिलवाऊंगा। देखिए ये है मेरी माँ, मेरी माँ। धन्यवाद। प्रिय दोस्तों, साथियों, इस सुंदर कहानी को सिर्फ शिक्षक और शिष्य के रिश्ते के कारण ही मत समझिए, न सोचिए। हमारे आसपास नीरज कुमार जैसे कई फूल मुरझा रहे हैं, उन्हें हमारा प्यार, ध्यान, स्नेह हम देकर उन्हें एक नया जीवन दे सकते हैं। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।